रिपोर्टर्स टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अरुण गोयल। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। यशवंत विवा टाउनशिप सार्वजनिक मित्र मंडल में धूमधाम से संपन्न हुआ नवरात्रि उत्सव। नालासोपारा के अग्रवाल में यशवंत विवा टाउनशिप सार्वजनिक मित्र मंडल द्वारा धूमधाम से नवरात्रि उत्सव संपन्न हुआ। इस मंडल में सहयोगी के तौर पर शक्ति जनहित मंच द्वारा भव्य गरबा का आयोजन रखा गया, जहां स्वयं शक्ति जनहित मंच के संस्थापक गंगेश्वर लाल श्रीवास्तव उर्फ संजू उपस्थित रहे। वहीं आयोजन में आने वाले सभी अतिथियों को पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया गया। इन 9 दिनों में आयोजन में बच्चों से लेकर बुजुर्ग महिला एवं पुरुष सभी गरबा नृत्य पर थिरकते नजर आए। वहीं श्रीवास्तव ने आयोजन की मीडिया को जानकारी दी। ये शक्ति जनित मंच ने हम लोगों ने यशवंत विवा टाउनशिप के सार्वजनिक मित्र मंडल ये काम हम लोगों ने नवरात्रि का पूरी एरिया के लोग कमेटी के लोगों ने मिलकर के स्टार्ट किया हुआ है। इसमें शक्ति जनित मंच सहयोगी है। शक्ति जनित मंच यशवंत विवा टाउनशिप के सभी पदाधिकारी मिलकर के आयोजन किए हुए हैं और एक धार्मिक कार्यक्रम है, इसमें हम सब लोग मिलकर के कार्यक्रम कर रहे हैं। शक्ति जनित मंच एक सामाजिक संस्था है, जिससे हम लोग गरीबों को सहयोग, सांस्कृतिक कार्यक्रम में सहयोग, जैसे अभी अपना गोलापुर में बाढ़ पीड़ित था तो संस्था से हम लोगों ने 5 लाख रुपया वहाँ पे दिया और काफ़ी हम लोगों ने मेडिकल हेल्प, बच्चों को पढ़ाई का जो भी जरूरत की चीज़ें हैं संस्था द्वारा हम लोग करते हैं। शक्ति जनित में सभी अच्छे और ज़्यादातर यहाँ के अच्छे और पढ़े लिखे लोग हैं और पत्रकार नालासोपारा के लगभग सभी पत्रकार हमारे संस्था के मेंबर हैं और जितने भी संस्था में जुड़े हुए हैं सब लोग अपने अपने काबिलियत रखते हैं और सब लोग लोगों की सेवा करने का एक सबका ध्येय रहता है कि हम सब लोग मिलकर के कुछ अच्छा कार्य करें और अच्छे लोगों के साथ खड़े रहें, ये संस्था के पदाधिकारी चाहते हैं। युवाओं को ये संदेश देता हूँ कि एक सब लोग अच्छे कार्य करो, सांस्कृतिक कार्य में जो भी भारत की सांस्कृतिक है उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और सही लोगों के साथ रहें। आयोजन के आखिरी दिन मंडप में महाप्रसाद अर्थात भंडारे का आयोजन रखा गया। नालासोपारा से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज की एक रिपोर्ट।